बिहार के सभी प्रकार के कोटियों के शिक्षकों के ट्रांसफर एवं पोस्टिंग को लेकर अपनी नीति बना ली है। शिक्षा विभाग की उस पर मुहर लग गई है और साथ ही साथ कमेटी के जो भी सदस्य थे उनकी भी मुहर लग गई है कि आखिर चुपके चुपके शिक्षा विभाग द्वारा कमेटी के सदस्यों ने रणनीति क्यों बनाई है। इसके पीछे के रहस्य को देखेंगे तो आपको स्पष्ट होगा कि शिक्षा विभाग अपनी अलग से ही रणनीति बनाना चाह रही थी ताकि उसमें किसी का भी हस्तक्षेप नहीं हो, किसी की चल नहीं पाए। और चुपके चुपके जो भी रणनीति तैयार की गई है निश्चित रूप से इसे माना जा सकता है कि वह सरल नहीं होगा बल्कि कठिन ही होगा, क्योंकि अगर थोड़ी भी खबर लीक होती तो निश्चित रूप से उस पर सवाल उठाया जा सकता था और ट्रांसफर एवं पदस्थापन के बिंदु पर राजनेताओं की ओर से शिक्षा विभाग के ऊपर जरूर से जरूर दबाव बनाया जा सकता था, परंतु शिक्षा विभाग चुपके से इसे तैयार कर ली है और अब शिक्षकों को अपना बोरिया बिस्तर समेट लेना होगा। संभावना ये जताई जा रही है कि अक्टूबर महीने में तमाम सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक दूसरे विद्यालय में चले जाएंगे, उसके बाद बारी आएगी नियमित कोटि के शिक्षकों की, उनका भी ट्रांसफर होगा, उसके बाद बारी आएगी बीपीएससी शिक्षकों की, उनका भी ट्रांसफर होगा। लेकिन दोस्तों सबसे ज्वलंत मुद्दा है और बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं बिहार के तमाम सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक कि उन्हें राजकर्मी का दर्जा कब प्रदान किया जाएगा और साथ ही साथ विशेष शिक्षक कब बनाया जाएगा। दोस्तों इसके संबंध में सबसे पहले जान लेना जरूरी है कि आखिर चुपके चुपके जो नीति बनाई गई है वो कठोर क्यों है, शिक्षकों के लिए क्या वह लाभप्रद है या फिर नुकसानदायक है। दोस्तों हम बता दें कि जो खबर छन के आ रही है और जो माननीय शिक्षा मंत्री की ओर से बार बार बयाने दी जाती थी कि जो भी शिक्षक असाध्य रोग से पीड़ित है, जो भी शिक्षक दिव्यांग है, जो भी शिक्षक पति पत्नी दोनों ही शिक्षक हैं, सिर्फ बसिर्फ मुख्य रूप से इन्हीं तीन कोटियों के शिक्षकों को राहत प्रदान की जा रही है। और रही बात, आप सभी के मन में ये बातें उठ रही होगी कि महिला शिक्षिकाओं की भी बात की गई थी। दोस्तों हम बता देना चाहते हैं कि महिला शिक्षकों को भी राहत प्रदान किया जाएगा, लेकिन इसे राहत नहीं कहा जा सकता है, महिला शिक्षिकाओं को सिर्फ बसिर्फ आंशिक राहत प्रदान की जाएगी। दोस्तों जो खबर आ रही है उसके अनुसार पहले जो नीति का निर्धारण किया गया था कि तमाम विद्यालयों को 5 वर्गों में विभक्त किया गया है, उन सारे को समाप्त कर दिया गया है, अब 5 वर्गों में विभाजित नहीं होंगे। यहाँ तक कि जो खबर आई है कि तमाम कोटि के शिक्षक जो पुरुष शिक्षक हैं उन सभी के सभी को अनुमंडल से बाहर का विद्यालय आवंटित किया जाएगा। और रही बात महिला शिक्षिकाओं की, तो उन तमाम कोटियों के महिला शिक्षिकाओं को अनुमंडल के अंदर ही किसी भी प्रखंड के विद्यालय आवंटित किए जा सकते हैं। तो वही दिव्यांगजनों की बात कहा जाए, असाध्य रोग से पीड़ित शिक्षकों की बात कही जाए और पति पत्नी दोनों ही शिक्षक की बात कही जाए, तो इन तीनों ही कोटियों के शिक्षकों में 2 कोटियों के शिक्षक दिव्यांग कोटि के शिक्षक और साथ ही साथ असाध्य रोग से पीड़ित शिक्षक को होम ब्लॉक प्रदान करने की खबर आ रही है। इन दोनों कोटियों के शिक्षकों को अपना ही होम ब्लॉक दिया जा सकता है, बाद बाकी किसी को भी अपना होम ब्लॉक नहीं मिलेगा, ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है। रही बात पति पत्नी दोनों ही शिक्षक हैं तो उन्हें शहरी क्षेत्र का विद्यालय दे दिया जाएगा ताकि दोनों ही शहर में रहकर पठन पाठन का कार्य आसानी से कर सकते हैं। और अन्य कोटि के महिलाओं की बातें कह दी जाए तो उन्हें अनुमंडल में पड़ने वाले किसी भी प्रखंड में पदस्थापित किया जा सकता है, लेकिन एक बात स्पष्ट हो गई है कि महिला शिक्षिकाओं को कदापि होम ब्लॉक नहीं मिलेगा, उन्हें अनुमंडल के अंतर्गत आने वाले विद्यालय ही आवंटित किए जाएंगे। रही बात पुरुष शिक्षकों की, तो तमाम पुरुष शिक्षक निश्चित रूप से अपना बोरिया बिस्तर समेट कर तैयार कर लेंगे। दोस्तों हमारी बातों को अन्यथा नहीं लेंगे।